अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं जुबैर शारिक। शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइंस। शाबाश पंजाब पुलिस, शाबाश, एक और बड़ा कारनामा। यूके नेशनल लापता बच्चा ढूंढ कर वालदैन के हवाले। मुल्क कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले धरती के अजीम सपूतों को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकाम की रोशनी में खराज अकीदत। पंजाब भर से गुजशत 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 1,06,086 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 7,871 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 72,726 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुजशत 24 घंटों में वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 710 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। शाबाश पंजाब पुलिस, शाबाश, एक और बड़ा कारनामा। यूके नेशनल लापता बच्चा ढूंढकर वालदैन के हवाले कर दिया, फैमिली पुलिस की शुक्रगुजार। पुलिस की बिछड़ों को अपनों से मिलवाने की रवायत बरकरार। यूके से आई ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिली का लापता बच्चा अहमद खान ढूंढकर लवाहिकीन के हवाले कर दिया। अहमद खान 3 दिन पहले अपनी फैमिली के हमराह पाकिस्तान आया और घर वालों से मामूली लड़ाई झगड़े के बाद नाराज होकर घर से चला गया था। मुल्क कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले धरती के अजीम सपूतों को आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। जिला अटक, भावलपुर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मंडी भाउद्दीन पुलिस की आज के दिन शहादत पाने वाले अजीम शहदा की कबूर पर सलामी और बुलंदाई दर्जात के लिए दुआ। इस मौके पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस हमारा फख्र है जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज बनाया। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक लाहौर का मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोक रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 84 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड 61, पंजाब यूनिवर्सिटी 61 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 55 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोक मुख्तलिफ अमराज का बाइस बन रही है, जिससे बचने के लिए हमें माहरीन सेहत की एडवाइस पे अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज आग न लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलके अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की इत्तला 15 पे दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस से अपडेट रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस विजिट कर सकते हैं। देखते रहिए सेफ सिटी टीवी।